छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की बात हो रही है। हमारे साथ है भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा, उनसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के अपराध की बात हो रही है, कांग्रेस सरकार के समय और अब भाजपा सरकार में क्या फर्क आप देख रही हैं? कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस सरकार में उनके खुद के घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। जो अपने घर की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो बाहर की महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे। घर में तो हम कुछ ही महिला नेत्रियां थी। मैं तो एक लगातार इतने सालों से आ रही हूँ, कक्का मुझे यहाँ पे तीजापुरा पे बनाते थे, लेकिन वो स्वयं कंस बन गए। उस कंस ने अपने गुंडों से मुझे कमरे में बंद करवा दिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ छोड़ने को कह दिया। वो न्याय की बात कर रहे हैं? इतनी हिपोक्रेसी अच्छी नहीं होती। किस मुंह से वो आज महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसी कंस कक्का के राज में एक लड़की का सर धड़सड़क कर दिया गया था। वो रायपुर की सड़कों पे उस लड़की का सर लेके घूमा था जालिम। क्या हुआ, क्या बदला? प्रियंका गांधी आती है तो फूल बिछा दिए जाते हैं, पर एक एएसपी ऑफिस के नीचे लड़की का रेप होता है तो ये कंस कक्का उसकी रिपोर्ट नहीं लिखने देते। ये लोग आज बात कर रहे हैं, इनको आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए ये सब करने से पहले। जो लोग महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, जिनके अपने ही कार्यकाल में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, अपने ही कांग्रेस मुख्यालय में किया गया, वो क्या प्रदेश की महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए फूलो देवी नेताम को। कहां थी वो जब हमें कमरे में बंद किया गया? कहां थी जब हम न्याय की बात कर रहे थे? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आवाज उठाई किसी के बारे में? अब किस बारे में आ रही है? वो पूरा प्रदेश जानता है कि इनकी सिर्फ नौटंकी चलती है और ये नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं करते। पूर्व में हुआ, आपने अपनी पूरी आप बीती बताई, किस तरीके से महिला नेत्रियों के साथ अपमान हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसकी बातें भी बताई। अब भाजपा की सरकार है, क्या लगता है वो न्याय की उम्मीद उन लोग को अब है? क्या आपको न्याय की उम्मीद है? न्याय तो देखिए, मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई कमेटी बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले अपनी इंटरनल रिपोर्ट तो बताए। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाए हैं, हमें बिठा के उसमें चर्चा करी। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट बाहर नहीं आई, आज तक एक शो कॉज नोटिस नहीं भेजा गया उस आदमी को, कुछ नहीं किया गया। तो न्याय तो आप भूल जाइए कि कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी। हाँ, ये जरूर है कि उस आदमी को पदोन्नत जरूर कर देगी, क्योंकि ये हम लगातार देखते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई महिला आवाज उठाती है तो आप सिलसिलेवार निकाल के देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी, अंकिता दत्ता, अर्चना गौतम, जिसके साथ छत्तीसगढ़ में यह बदता हुई, मैं आपके सामने हूँ, और भी कुछ लड़कियां थी, ना हम पहली हैं ना आखिरी हैं, लेकिन ये सारी सारी महिलाएं पार्टी के बाहर है। और जिन पुरुषों पे आरोप लगाए गए थे, या तो वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या अभी भी मीडिया चेयरमैन बने हुए, आने वाले समय में जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे, पदोन्नत किए जाएंगे, या उनको बचाया जाएगा, एक भी आदमी पर आज तक कार्रवाई नहीं करी गई। आपको याद होगा दिव्या स्पंदना जब सोशल मीडिया की हेड थी, तब भी एक लड़की ने शिकायत रखी थी, तो वो आदमी को कितने साल तक फिर भी नौकरी पर रखा गया कांग्रेस के अंदर। तो लगातार महिलाएं छोड़ के जाती रही, या उनको निकाल दिया गया आवाज उठाने के लिए। देखिए, केरल में भी लड़की ने आवाज उठाई तो महिला को निकाल दिया गया, लेकिन वो आदमी वहीं के वहीं है। तो कांग्रेस का महिला न्याय के प्रति और महिला सुरक्षा के प्रति क्या रवैया है, वो सब आदमी उसके ब्रांड एम्बेसडर। आपने बता दिया कांग्रेस का महिला न्याय के प्रति क्या रवैया है, लेकिन कल प्रदर्शन होने जा रहा है, सैकड़ों महिलाएं जुटेंगी और अपराध को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगी। अब कोई नाटक नौटंकी करने आ रहा है, राजनीति करने आ रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। फूलो देवी नेताम एक महिला हैं। मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से, कहाँ थी आप फूलो दीदी जब मेरे साथ ये घटना घटी? क्या आपने मुझे एक फोन कॉल किया? सबके पास मेरा नंबर है, फूलो दीदी के पास भी है, ट्विटर पे मुझे फॉलो करती है। एक सवाल पूछा? महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते, एक बहन होने के नाते, कि तुम अपने घर परिवार से दूर हो, इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं आपसे मिलने आ जाऊं, तबियत ठीक है, क्या हुआ? नहीं। तो आज किस हक से आ रही हैं बात करने? प्रदेश की महिलाएं भली भांति वाकिफ हैं इस बात से कि जो लोग, जिनके मंत्री शिव ढेरिया जैसे लोग बलात्कार की घटना को छोटा बता सकते हैं, वो क्या अब प्रदर्शन में अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करने आ रहे हैं और मजाक बना रहे हैं? जिन्होंने विनेश को मोहरा बना के मजाक बनाया महिला सुरक्षा का, आज वो एक और मजाक करने छत्तीसगढ़ में घेराव करने आ रहे हैं। लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही है कई क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के, की पहले भी आए हैं, क्या इस पे राजनीति होनी चाहिए? आप लोगों ने आंकड़ा गिनाया कि कांग्रेस में इतना था, भाजपा में इतना है, लेकिन क्या कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होनी चाहिए? कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए, और तेरा रेप मेरा रेप किसी चीज का भी सलूशन नहीं है। मैं भी यहाँ खड़े होकर कांग्रेस के समय के दर्जनों रेप गिनवा सकती हूँ, और अभी जहाँ पे गिनी चुनी कांग्रेस की सरकार है वहां पे महिलाओं की क्या हालत है गिनवा सकती हूँ। पर मैं अपनी ही बात आपके सामने रख चुकी हूँ, और कांग्रेस में महिलाओं की क्या हालत है वो रख चुकी हूँ। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिस प्रकार से
कांग्रेस कार्यकाल में रेप की घटनाएं ज्यादा होती थी और हमारे कार्यकाल में कम हो रही, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था को गड्ढे में लाके गिरा दिया। गुंडों का राज चल रहा था, सिर्फ फिरौती चलती थी, सिर्फ लोगों के महिलाओं के सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे, गुंडे सरेआम घूमते थे, क्योंकि डर नहीं था, पता था कंस कक्का खड़े हैं, बचा लेंगे, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण मिल जाएगा, और पैसा इकट्ठा हो रहा था क्योंकि उनको सारा खेल था कि महादेव ऐप का पैसा इकट्ठा करो, शराब घोटाले का पैसा इकट्ठा करो, कोयला खनन का पैसा इकट्ठा करो, महिला का क्या है, उनको तो देख लिया जाएगा, महिला सुरक्षा का क्या लेना देना है। ये तमाशा उन्होंने बना दिया था, उस कानून व्यवस्था को हम ठीक कर रहे हैं और अब इसीलिए आंकड़े गिनवाए, क्योंकि सच सामने लाना जरूरी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महिला सुरक्षित थी और कैसे इनके कार्यकाल में कितने रेप होते थे। तो वो अपना अपना इतिहास भी तो बताते, आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी ये हो रहा है, अरे अपना इतिहास बताइए, एक साल में आपके समय में 1600 से अधिक बलात्कार हो गए थे, क्यों नहीं बोलते उस बारे में। अच्छा, ठगी के मामले में आज पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर भी FIR हुआ, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, सबको पकड़ा जाना चाहिए, पता जाना चाहिए आबकारी जो घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, उसके पीछे कौन था, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, महादेव ऐप के जो मुखिया है कंस कक्का, उनको पकड़ा जाना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ रहे, जल्दी पकड़ा जाना चाहिए और सब पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है हमारी। ये थी राधिका खेड़ा जी, जिन्होंने कहा कि जो बढ़ रहे हैं अपराध उसके ऊपर, जो पूर्व में कांग्रेस सरकार थी उसमें ज्यादा अपराध हो रहे थे, जबकि भाजपा में वो अपराध कहीं ना कहीं कम हुए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।